हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ दही की कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे भजियों की कढ़ी भी कह सकते हैं। अगर आप मेरा मेथड फॉलो करेंगे तो आपकी कढ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और भजिए भी बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम भजियों का बैटर रेडी कर लेंगे, इसीलिए मैं इसका मसाला अलग बता रही हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। हम यहाँ पर 1.5 कप बेसन ले लेंगे। आप जभी भी बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप छान कर ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप इसे मेजर करेंगे तो ये 350 ग्राम्स है। और हम मसाले ले लेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, नमक मैं 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा बढ़ के लूँगी, आपके हिसाब से ऐड कीजिए। और ये 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है और 1/4 टीस्पून हल्दी। और हम 2 पिंच सोडा ले लेंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आप ये ऐड करेंगे तो भजिए ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। भजियों का बैटर रेडी कर लेंगे, मसाले को ऐड कर दिया है मैंने। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह की हो जाना चाहिए। अब हम कढ़ी के लिए मसाले ले लेंगे। नमक तो अब आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। और मैं 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, मैं इसीलिए कम ले रही हूँ क्योंकि मैं लहसुन भी ऐड करूँगी इसमें, और 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये भुने हुए धनिए का पाउडर है ये, और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। और हम दही ले लेंगे। दही मैं 500 ग्राम्स यूज़ कर रही हूँ। आप थोड़ा सा इसको फेंट लीजिए या फिर आप इसे ग्राइंड कर लीजिए। कढ़ी के लिए बेसन मैं 150 ग्राम्स यूज़ करूँगी। और एक मीडियम साइज़ की ऑनियन है, देखिए इस तरह के स्लाइसेस कट कर लीजिए। हम इसे दम पे ऐड करेंगे। और बघार के लिए मैं यहाँ पर 4 से 5 सूखी हुई लाल मिर्च ले लूँगी, 1 टीस्पून ज़ीरा और 10 से 15 लहसुन। आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून करी पत्ता, 1 टीस्पून राई। हरा मसालों में हम यहाँ पर करी पत्ता ले लेंगे, 2 हरी मिर्च ले लेंगे और हरा धनिया ले लेंगे। पुदीने की क्वांटिटी आपको कम लेना है। और हम लहसुन के क्लोव्स ले लेंगे 10 से 15 और 3 हरी मिर्च ले लेंगे। अगर मिर्च छोटी है तो आप 5 से 6 यूज़ कीजिएगा। और हम हरा धनिया ले लेंगे। मैं इसीलिए इसे अलग बता रही हूँ क्योंकि मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। पेस्ट बना कर डालने से इसका टेस्ट कढ़ी का और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं इस तरह से कूट कर ऐड करूँगी, आप चाहे तो ग्राइंड कर लें। अब हम एक बोल ले लेंगे, जो हमने बेसन रखा हुआ है उसे ऐड कर देंगे। अब हम थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड कर इसमें पानी ऐड कर देंगे। आपको 1 लीटर के करीब पानी ऐड करना है। देखिए इस तरह का क्लॉथ ले लीजिए, इसमें हम बेसन छान लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह बनाइए, नहीं तो आप छन्नी में छान लीजिए। अगर ये प्रोसेस आप इस तरह करेंगे तो कढ़ी एकदम सॉफ्ट मस्के की जैसी बनेगी। अब इसमें हम बेसन छान लेंगे, देखिए इस तरह कर आपको छानना है। देखिए जो भी इसमें से निकलेगा उसे हम फेंक देंगे। देखिए इस तरह की हो जाएगी। आपको पकने के बाद गाढ़ी दिखेगी कढ़ी, देखिए ये आपको यूज़ नहीं करना है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, मिर्च हल्दी ऐड कर देंगे, ज़ीरा धनिया ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे, जो हमने हरी मिर्च हरा धनिया लहसुन का पेस्ट बनाकर रखा हुआ है
उसे भी ऐड कर देंगे। ऐड कर कर इसे मिक्स करेंगे। मिक्स कर कर दही ऐड कर देंगे। पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे एक पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, गैस ऑन कर लेंगे। जैसा जैसा पकेगी कढ़ी गाढ़ी होती जाएगी तो आपको पानी ज़्यादा ऐड करना है। इसमें आपको 15 टू 20 मिनट्स लगेंगे इसे अच्छी तरह पकने में। थोड़ी से पकने के बाद हम पुदीना, हरा धनिया, करी पत्ता और मिर्च ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसे चम्मच को चलाते हुए पकाएंगे। अभी हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। ऐड कर कर आपको ज़्यादा पकाना नहीं है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, देखिए इस तरह ही रखना है, पतली ही रखना है। ठंडा होने के बाद कढ़ी गाढ़ी हो जाती है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। भजिए फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि हमें भजियों को डीप फ्राई करना है। ऑयल मीडियम हॉट हो चुका है। अभी हम इसमें भजिए ऐड करते जाएंगे। आधा घंटा रखने के बाद देखिए भजियों का बैटर इस तरह से थिक हो गया है। मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, देखिए इस तरह की हो जाना चाहिए। आपको इसी तरह से भजियों को ऐड करते जाना है कढ़ाई में, बिल्कुल धीरे ऐड करना है। अब हम सभी को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आपको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। टर्न कर लेंगे हम। देखिए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। देखिए इस तरह से हो जाना चाहिए, क्रिस्पी भी हो चुके हैं। भजियों को आपको पतला ही रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। अगर मोटा रखेंगे तो ऊपर से फ्राई हो जाएंगे मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसीलिए इस साइज़ के ही आपको भजिए बनाना है। देखिए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम सभी को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सभी को मैंने फ्राई कर लिया है। अभी हम कढ़ी में इसे डाल देंगे। डाल कर एक 10 मिनट्स रखेंगे ताकि भजिए कढ़ी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम इसे साइड में रख लेंगे, बघार लगा लेंगे। जो हमने भजियों का ऑयल रखा हुआ था उसे मैंने थोड़ा निकाल दिया है। उसी ऑयल में आपको बघार लगाना है तभी कढ़ी टेस्टी बनेगी। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूंगी। ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई होने के बाद राई, मिर्च और लहसुन ऐड कर देंगे। करी पत्ता आपको वॉश कर कर ऐड करना है। ऐड कर कर थोड़ा सा इसे ढक देंगे ताकि ये उछले ना। बघार रेडी है। देखिए कढ़ी भी अच्छे से थिक हो चुकी है ठंडी होने के बाद। अभी हम बघार लगा लेते हैं, डाल देंगे बघार। थोड़ा सा बघार मैं रख रही हूँ, सर्व करते टाइम मैं ऐड करूँगी। चलिए कढ़ी बनकर रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे शामी या शिकमपुर के साथ या तले हुए गोश्त के साथ सर्व कर सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।